Therefore, the aforesaid contention of the petitioner is hereby rejected. एक ऑर्डर जो हम दिया है उसको विचार में ले लिया जाए, आईए के साथ दिया है, पेज 13 पर है, सीरियल नंबर 2, संजय कुमार पेज 13 पर है, हुजूर उसको देखा जाए, डिवीजन बेंच का जजमेंट सीरियल नंबर 2 फुल बेंच का फैसला के बाद हुजूर डिवीजन बेंच का वो ऑर्डर है जिसके द्वारा अनुवादक विभाग को कहा गया है अनुवाद करने के लिए, तो हुजूर उसको देखने में उसको देख करके हुजूर मिस्टर काउंसिल प्लीज एडवाइज हिम मिस्टर काउंसिल प्लीज एडवाइज हिम Ask him to show is there any para 139 has been overruled by more than the full bench decision or Supreme Court. Ask him in Hindi. You please ask him in Hindi. नन वो रहने दीजिए हुजूर ये No, he is going to convince you. Please give him answer. क्या क्या बोलिए ना हिंदी क्या बोल रहे हैं जो ओवर फुल बेंच का डिसीजन जो कहा गया 139 में ओवर रूल हुआ है कि नहीं डिबेट कहीं ओवर रूल हुआ है वो जो है 139 जो है वो फुल बेंच के माननीय एक न्यायमूर्ति का विचार है फुल बेंच का जो आदेश है वो 79 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है सॉरी मिस्टर प्लीज व्हाई डोंट यू ट्राई टेस्ट माय ऑर्डर बिफोर द एलपीए बेंच Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए फुल बेंच अनुवादक विभाग यहाँ है आजादी के पहले से है उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है हमारे मोकिल का हिस्सा है तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है हुजूर ये पेज 13 पर है आईए का पेज 13 हार्डलैंड काउंसिल फॉर द पिटिशन ये फुल बेंच का डिसीजन के बाद का है जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए उसी तरह से कहा गया था मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए सुना गया सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है और वो मांगा गया हुजूर देखा जाएगा हर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट द पिटिशन फाइल बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर is in Hindi. In view of the above, office is directed to get translated the Hindi petition filed by Learned Counsel for the petitioner into English for the translator section of the Patna High Court. Let this matter immediately after translated copy of the petition is received in the office. तो हुजूर इस ऑर्डर को देख लिया जाए। Yes, I will give you dictation. Please listen. At this stage, Learned Counsel for the keep on repeating that he need not require to file translated version in terms of a full bench decision in the light of a later division bench decision so and so full stop as long as para 139 of the full bench decision is not reversed by competent forum division bench decision in respect of producing Translated English version cannot be overruled. Accordingly, it is rejected. सर एक चीज और दिखा देते हैं पैरा 12 हुजूर देख लिया जाए फुल बेंच का पैरा 12 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस का हवाला है स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है फुल बेंच से पैरा 12 हुजूर हम पढ़ देते हैं मिस्टर काउंसिल आई हैव हर्ड यू सफिशियंटली प्लीज डोंट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग हुजूर ये मतलब अभी अगर इसी तरह से तो हुजूर All right, keep on arguing the matter. जी, हुजूर पैरा 12। याची ने 1995 की एलपीए संख्या 600 पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की जिसको भी तारीख 21 जुलाई 1995 को खारिज कर दिया गया जिस आदेश को स्वर्ण सिंह बग्गा बनाम एनएन सिंह रजिस्ट्रार वाले मामले में संसूचित किया गया और नीचे उद्धृत किया गया यह लेटर्स पेटेंट 1995 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2825 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित
तारीख 9 मई 1995 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिन्होंने उपरोक्त मामले को संविधान के अनुच्छेद 348 में निर्दिष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी की प्रार्थना यह थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियां हिंदी में होनी चाहिए, दलीलें हिंदी में दी जानी चाहिए और निर्णय भी हिंदी में दिए जाने चाहिए। संभवतः यह प्रार्थना प्रदान नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति के लिए यह कदापि वर्जित नहीं है कि वह हिंदी में आवेदन फाइल न करे, और न ही किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कोई वर्जन है कि वह हिंदी में दलीलें न दे सके। और वास्तव में अनेक मामलों में इन बातों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये स्वर्ण सिंह बग्गा केस फूलबेन से संपुष्ट हो गया, वो पैरा हुजूर 79 से स्पष्ट होता है। ऐसा कहने और संपूर्ण पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए जब यह अधिसूचना का निर्वचन किया जाता है तो मैं अधिसूचना को रद्द करने की कोई विधायी इच्छा नहीं पाता, किंतु वही आकांक्षाएं भी पूरी की जानी चाहिए और संवैधानिक निर्देश को एक दिशा दी जानी चाहिए। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना किसी खामी से ग्रस्त नहीं है। अतः विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले के निर्णय की शुद्धता को इस पूर्ण पीठ द्वारा उत्तर के लिए उचित ही निर्दिष्ट किया गया है, और उस विस्तार तक हम तारीख 1 मई 2015 के निर्देश करने वाले आदेश में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त मत से सहमत पाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन पेश की जाने वाली याचिकाओं और कर प्रतिनिर्देशों की बाबत अपवाद डालते हुए निकाले गए अंतर को विनय कुमार सिंह वाले मामले में दिए गए कारण के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। अतः मैं विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले या इसी प्रकार के मामलों में दी गई तर्कना को अनुमोदित नहीं करता, और उस विस्तार तक मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि स्वर्ण सिंह बग्गा वाले मामले में व्यक्त मत सही मत है। तो स्वर्ण सिंह बग्गा मामला है, वही कहता है कि हिंदी में आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और नहीं किसी व्यक्ति पर हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वो संपुष्ट हो गया। अब इसमें अंग्रेजी अनुवाद की बात आई है तो वो अंग्रेजी अनुवाद उससे वसूलने की अनिवार्यता नहीं है जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया है। हुजूर, जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया उसी से अगर कोई अनुवाद भी देना पड़ेगा तब तो कोई हिंदी में दाखिल ही नहीं करेगा, और संविधान का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। हुजूर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, और अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी को पीछे करने के लिए कहता है। फूल बेंच भी यही कहता है। डोंट गिव लेक्चर हियर। तो हुजूर, इसमें ये कह दिया गया कि भाई हिंदी में फाइल हो सकता है। अब अंग्रेजी अनुवाद की बात है तो यहाँ अनुवादक विभाग आजादी के पहले से है, इसी पर्पस के लिए। सर, डोंट गिव लेक्चर सर। व्हाट एवर द सबमिशन यू वांट टू मेक, यू रिस्ट्रिक्ट यूर विथ रेफरेंस टू योर पिटिशन। तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहाँ तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वो अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर, हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया जाए। कॉल नेक्स्ट केस। सीरियल नंबर 2, संजय कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार फॉर द पिटिशनर श्री शिव कुमार।